हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज यामाहा शोरूम आया हुआ हूँ क्योंकि स्कूटी को जयपुर भेजना है और मुझे एक गाड़ी ख़रीदनी है, तो यामाहा का गाड़ी ख़रीदूँगा। देखते हैं कौन सा गाड़ी पसंद आता है। वैसे तो मुझे R15 पसंद है। कोई भी लॉन्च में प्रोसेसिंग फीस होइ छै, ओकर एक स्तर होइ छै, आ प्रोसेसिंग फीस के अंदर भी ओकर फीस छै। मतलब ओकर अंदर छै कोन चीज की, मतलब ओकर कते अमाउंट छै, नॉन अमाउंट छै, कते करके छै, मोटा मोटी समझनाय छै कि सुइद प्लस प्रोसेसिंग फीस मिला कते लागै छै, कुल अमाउंट कते छै। अगर 1.5 लाख के गाड़ी छियै, महीना 50,000, 1 लाख लोन कए लेतै तऽ 85,000 देनाइ छै, 400-500 रुपया ओकर अथी आबै छै, हाइपो आबै छै। तोहर गाड़ी नहि छै, बैंक के गाड़ी छै। और एगो नंबर प्लेट उम्र प्लेट ऐड कै के हमें एंटर कै दी, और कुछ नहीं लगे। मोटा मोटी 1 लाख के गाड़ी 50,000 में भै गए, 1 लाख के लोन के लिए जो लोन अमाउंट है ओकरे पर 30 लाख रुपये। इस सबके बरगराबे बहुत ऑफिसों वाला, बहुत जन छोटी छोटी कंपनी में जो थोड़ा तरह तरह के बात करते हैं। 30,000-35,000 जितने हमें लोन कर लिए 1 लाख, 60,000 में 42,000 डाली है 3 साल के। कुछ छोटी कंपनी है, नाम नहीं उजागर कर सके। दूसरे कंपनी से ओकरा में छोटा छोटा रेंज पर, तो बड़ी रेंज के जो गाड़ी बैठे ओकर सिस्टम अथी है, अलग है। जैसे कार खरीदो ओते बेमानी नहीं है, फ्रॉडनेस नहीं है, लेकिन मोटरसाइकिल खरीदो तो थोड़ा बड़ा दिक्कत है, खासकर छोटी छोटी कंपनी, क्या नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा है। बैंक वाला कुछ बोले नहीं, सारा प्राइवेट बैंक है। मेन 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार एक्स्ट्रा हाइपो लगा दीजिए। हाइपो मतलब आपकी गाड़ी नहीं, बैंक की गाड़ी है, RTO दी है, 500 रुपया ज़्यादा ऐड नहीं हो सके। अब लोग समझे नहीं हाइपो की है, अब ऐड करे 2,000 ऐड कर लीजिए, गलत है भाई। तो हमरा ये देखना चाहिए बैंक के लोन लोन अमाउंट के अलावा कत्ते में सुध लगे। दुनिया में हर बैंक प्रोसेसिंग फीस होती है, कोई छुपा ले छे, कोई कही नहीं छे, कोई कुछ कहे छे, लगबे करते हैं। तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्या ऑटोमेटिक निकल जाए ऑनलाइन से सारा चीज। जो नंबर प्लेट ठीक चले, एगो एसेसरी अभी कैसे, अब अगर प्रोसेस करबे तो हाइपो जो आपकी गाड़ी ने बैंक की गाड़ी वाला पैसा जोड़ कर नंबर प्लेट जोड़ कर माइनस कर देंगे, 50,000 में दे दिए, 1 लाख का लोन कर दिए। सस्ते में लोन कितना हो रहा है चुनौत, 1 लाख है कि 90,000 है, 90,000 है कि 1,10,000 है। अब लोन बढ़ने के अलग अलग प्रोसेस जो है, तुम्हें बिजली बिल लगा दे लोन देने के लिए, और सिविल अच्छा है, बैंक अच्छा है, या कोई लोन देने छू तब अच्छा लोन जो बैठ जाए। जी ओहिमे जे छै इंटरेस्ट रेट तऽ वएह रहै छै ने, खाली लोन अमाउंटे टा ने बढ़ै छै। लोन अमाउंट बढ़ि जाइ छै, आओर जतेक बढ़तै ओकर सुद ओतेक लागतै। कोई 1,10,000 कहलकै, कोई 1 लाख कहलकै, दुनूके EMI पर। हमर एक मतलब ई भेलै कि हमर सिविल ठीक छै, तऽ हम कम डाउन पेमेंट करके लए सकै छी, इएह ने फायदा हेतै। इंटरेस्ट रेट तऽ घटतै नहि ने। जी जी, इंटरेस्ट रेट नहि घटतै, खाली रियाज भए जेतै पैसा। खाली पैसा हमरा डाउन पेमेंट कम लागतै, ओकरा बेसी लागतै। कुछ बैंक छै हम कमे पे कर देंगे, इतना का कुछ बैंक छै हमरा 1.25 लाख कर देंगे, तऽ 1.25 लाख के लागतै। कुछ बैंक छै 1 लाख तक करेंगे, मतलब सबके एरिया छै। तब सब तले जेना कि FZ 1 लाख तक के कए देलकै, तऽ 85,000 रुपया लगलै, 52,000 रुपया लगलै। माइलेज केना छै एकर? 50 से कम है, FZ और FZX 50 से कम है। स्कूटी कतेक माइलेज दै छै? स्कूटी कंपनी लिखै छै 66 होबर, लेकिन अपन रोड पर 50-55 40 से तो बेसी आगा बढ़ते नहीं छै। हमर स्कूटी हीरो के छियै, एकर 125 सीसी छियै, FI छियै, फ्यूल इंजेक्टर वाला लागल छै, टेक्नोलॉजी में इनाना छियै सब। ककरो से पूछ लेना छै रोड पर चलै छै यहाँ के, मतलब जे गाड़ी छै अगर FI वर्ष 113 सीसी तैयो माइलेज दे दी छै। FI तो हमरो छियै। हाँ, 113 सीसी, 125 नहीं तो बहुत कम है, तो अखन आबै छै नहीं। स्कूटी तो अक्सर सबके 40 से बेसी टपते दे छै। नहीं, फेसिनो या रेजर आर छै ना, पूछ लेना छै, रातो में छोड़ लिए ना।